नमस्कार दोस्तों, बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं LG की सेमी ऑटोमेटिक 8.5 kg वॉशिंग मशीन। आज के ज़माने में ऑटोमेटिक से सेमी ऑटोमेटिक पे हम क्यों कन्वर्ट हुए, वीडियो में आगे जानेंगे। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग के लिए ये आर्गो का नाइफ है, अमेजोन से मंगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको ख़रीद सकते हो। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी पॉलीथीन हटा लेते हैं। ये डार्क ग्रे कलर में LG की 8.5 kg की वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है, 5-स्टार रेटिंग के साथ में आती है, 2024 का मॉडल है। लेकिन LG ने एक गैम्बल किया है इसमें, 2023 का मॉडल भी है, 2024 का मॉडल भी है। 2023 का जो मॉडल है, सेम मॉडल वाइट एंड पर्पल कलर में है, वो इससे 3,000 रुपये सस्ता में प्लस 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ में LG का आउटलेट देता है। लेकिन जब बात आती है कलर की, तो ये 3,000 रुपये महंगा पड़ा है, साथ में इसके साथ कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है। लेकिन अगर इसका डीप ब्लैक कलर भी आप लेते हो, तो वो इससे भी 2,000 रुपये महंगा पड़ता है। तो अगर कलर आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आप वाइट पर्पल कलर में जा सकते हैं, इससे 3,000 रुपये सस्ते में। तो दोस्तों, अब इस मशीन का फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी है वो है प्लास्टिक की, लेकिन ये काफ़ी ड्यूरेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-स्टार रेटिंग, अर्थात ये बिजली की बचत करती है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखें तो इस तरह से यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, जिनको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस तरह की एक पावर कॉर्ड दी है, और इसमें जो आपको प्लग दिया है वो सिंपल वाला दिया है। मतलब एक होता है 16 एम्पियर वाला पावर वाला, वो नहीं है, इसको आप नॉर्मली प्लग में भी लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, कई जगह पर पावर प्लग नहीं होते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आउटलेट के लिए जगह दी गई है, जो भी पानी है मशीन का वो यहाँ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इन बटन्स की और किस तरीके से कपड़े धुलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है वॉशिंग कंपार्टमेंट, इसमें आपके कपड़े धुलने वाले हैं। और दोस्तों सभी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की तरह इसमें भी ये वाला जो ढक्कन है वो हटके अलग हो जाता है, और कपड़े धोते समय इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। यहाँ पर है कपड़े सुखाने वाला सेक्शन, जो कि विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, इस तरीके से खुल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जाली लगी हुई है, मतलब ऊपर से इसमें हवा आ जाती है जब ये घूमने लगता है, तो और इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर हम कपड़े डाल देंगे सुखाने के लिए। और विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी अर्थात इसके अंदर किसी तरह का वैक्यूम नहीं बनेगा, किसी तरह का प्रेशर नहीं बनेगा, और आराम से कपड़े थोड़ी जल्दी सूख जाएंगे, और कोई स्मेल होती है कपड़ों में वो भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको कपड़े सुखाने वाला सेक्शन दिया है। अब बात करते हैं बटन्स की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनलेट पाइप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से पानी आएगा। ये जो बटन है वॉश वाला, तो इस तरफ करेंगे तो स्पिन, मतलब यहाँ पर पानी जाएगा, और इसको अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो वॉश, यानी जहाँ पर कपड़े धुलते हैं वहाँ पर पानी जाएगा। तो यहाँ पर इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सोक वॉश टाइमर, जब आप कपड़े धो रहे हैं तो उसका टाइमर है, वो इस तरीके से आप लगा सकते हैं मैक्सिमम 40 मिनट तक। उसके बाद में वॉश सेलेक्टर, कि आप जेंटल वॉश करना चाहते हैं, नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में वो वाले कपड़े आते हैं बेड शीट और एकदम भारी वाले कपड़े, नॉर्मल डेली यूज के, और जेंटल में आपके वुलन या फिर ऐसे कपड़े जो नाजुक हैं। यहाँ पर देखो तो ड्रेन सेलेक्टर आपको दिया गया है, वॉश रेंज एंड यहाँ पर ड्रेन, मतलब जो पानी अंदर है उसको निकालने के लिए इसमें मैनुअली दिया गया है, और आराम से जब कपड़े धुल जाएं तो इसको ऐसे ड्रेन करने पर पानी पूरा निकल जाएगा, जो भी आउटलेट आपको पीछे पाइप दिया है उससे। एंड यहाँ पर देखो तो स्पिन टाइमर, जो मैक्सिमम 10 मिनट के लिए है, और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इस तरीके से एक आवाज़ कर रहा है, और इस तरह से घूमते घूमते मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसमें जो मशीन है वो घूमेगी, आपके कपड़े घूमेंगे और सूख जाएंगे। और यहाँ पर भाई साहब बजर दिया गया है, अर्थात जब कपड़े धुल के रेडी हो जाएंगे तो आपको ये बीप करेगा, मतलब जो भी साउंड ही करेगा। LG की ब्रांडिंग यहाँ में आपको दी गई है, रोलर जेट इसका नाम है, और 8.5 kg की ये मशीन है। तो ये हमने इसका ओवरव्यू कर लिया है। एंड दोस्तों, लुक एंड फील में जैसे वॉशिंग मशीन्स होती है वैसी हैं, लेकिन कलर की वजह से इसके कुछ 1,000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लगे हैं। इसका व्हाइट पर्पल कलर था, वो 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा था। अब बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो ज़्यादा तामझाम नहीं करना।
सिर्फ हमको यहाँ पर इनलेट पाइप लगाना है जिसको नल के साथ जोड़ना है, और पीछे की तरफ यहाँ पर जो आउटलेट वाला हौज दिया गया है, ये जो छेद दिया गया है, यहाँ पर हम आउटलेट पाइप लगा लेंगे और उसके बाद में मशीन रेडी टू यूज हो जाएगी। तो फटाफट से इसको हम अब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटलेट वाला पाइप लगा लेते हैं। ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये पानी को निकलने के लिए आउटलेट के लिए दिया गया है, और यहाँ पर इसके साथ ये आउटलेट पाइप आता है। याद रखें, ये वाला जो हिस्सा है हुक वाला, इसको बाहर की तरफ रखना है और ये वाला वहाँ पर लगाना है। तो उससे पहले यहाँ पर इस तरह की एक रिंग दी गई है, ये इसलिए दी गई है ताकि आप पाइप को लगा कर इसको टाइट रख सकें, ताकि पानी यहाँ से लीक ना हो। ये लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे, और ये जो है रिंग, इसको हम इस तरीके से घुमा के वहाँ पर लगा देंगे। तो अब ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी तरीके से आप इसके आउटलेट पाइप को लगा सकते हैं। और दोस्तों, जब आप मशीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो आउटलेट पाइप में यहाँ पर ये हुक दिया है, उसको इस जगह पर टांग सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इस तरह का हुक दिया है, तो इस जगह इसको लगा देंगे और आराम से ये इस जगह पर स्टेबल होके टंग जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हमने मशीन को लगा लिया है, यहाँ पर हमारा प्लग लगा हुआ है और पानी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और नल में याद रखें प्रेशर से पानी आए, तो यहाँ पर हमको वाटर इनलेट वाला जो नल है वहाँ पर लगा लेंगे। याद रखें, ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे को दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, पर इस तरीके से यहाँ पर इसको इसमें लगा लेंगे, और इसका ये वाला जो हिस्सा है छोटा वाला, उसको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से लगा देंगे, तो यहाँ से पानी आएगा और आपके कपड़े धुल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस तरह की क्लिप लगाकर इस नल को यहाँ पर लगा लिया है, जो काफ़ी टाइट तरीके से लग चुका है, और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर मैंने इसको लगाकर क्लिप लगा लिया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी पानी लीक ना हो इसलिए मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो है, अगर लेफ्ट करेंगे तो इस टब में पानी आएगा, और राइट करेंगे तो इस कपड़े सुखाने वाले में पानी आएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर चलाकर दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर नल को ऑन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर पानी आ रहा है, और ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर पानी आने लग गया है। तो इस तरीके से हम पानी को इधर से उधर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मशीन को हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इसको चलाकर दिखाते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, प्लग लगाना है, स्विच ऑन करना है, और ये चालू है, बस आपको सीधा इसको यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो नीचे ये जो चीज़ दी गई है, इसमें ये इस तरीके से घूमते हैं और कपड़े इसके साथ घूमते जाते हैं, और ये कुछ एक मिनट इस तरीके से घूमने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मशीन में इस जगह पर और यहाँ पर एक फिल्टर दिया गया है, तो इसको इस तरीके से एक बटन दिया गया है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करके इसको हम निकाल लेंगे। अब ये फिल्टर क्या काम आता है, तो दोस्तों इस फिल्टर में आप यहाँ पर देखें तो ओपन लिखा हुआ है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा इस तरीके से यहाँ पर जाली दी गई है, मतलब जितने भी कपड़ों में रुई या फिर जो कचरा आता है वो यहाँ पर आकर जमा हो जाता है। तो अब इसको फिर से लगा देते हैं। एंड दोस्तों, इसको लगाना भी आसान है। यहाँ पर ये जो हिस्से हैं ऊपर और नीचे, इनको सेट कर लें, तो नीचे की तरफ यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ और इस तरीके से प्रेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हो ये इजीली यहाँ पर फिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, ये वो जगह जहाँ से पानी ड्रेन होता है, यहाँ से सारा पानी निकल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो मीडियम हाई एंड नीचे लो, तो ये पानी के लेवल को, जैसे यहाँ तक पानी भरना है, उसके बाद में मीडियम यहाँ तक पानी भरता है, तो इसको हम मैनुअली इस तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि इसका वाटर लेवल हमको पता लग जाए। तो अभी मैं इसको मीडियम या फिर लो पे करके रख देता हूँ। तो ये थोड़ा सा मगजमारी का काम तो है, पर मैनुअल में ऐसे ही होता है। अब दोस्तों, मैं कपड़े तो नहीं डालूंगा, लेकिन प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से इसमें कपड़े धोए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैनुअली नल ऑन करना, ऑटोमेटिक पानी नहीं लेगा, और ये जो सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर को वॉश पे कर देंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कपड़े इसमें डालेंगे, जितना पानी चाहिए उतना हम ले लेंगे। उसके बाद में नल को हम बंद कर देंगे, तो जैसे नल बंद करेंगे पानी जा चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये व्हील बटन है, इसको हम जितनी देर कपड़े धोने हैं, मैक्सिमम 40 मिनट, उतनी देर के लिए सेट कर देंगे। जैसे मैंने 5 मिनट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मशीन घूमने लग चुकी है, और काफ़ी पावरफुल लग रही है जिस तरीके से ये घूम रही है। तो कपड़े तो भाई बहुत बढ़िया धुलने वाले हैं। खैर, अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है, ये है जेंटल, नॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग। भाई किस तरह के कपड़े आप धो रहे हैं, बेडशीट धो रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग पे जाना है, डेली के नॉर्मल कपड़े धोने हैं तो यहाँ पर, और अगर आपको वुलन और सॉफ्ट कपड़े धोने हैं तो जेंटल पे जा सकते हैं। उसके बाद में ये वाश, रेंस एंड ड्रेन, ये दिया गया है पानी को निकालने के लिए। तो इस व्हील को अगर हम ड्रेन पर घुमा देंगे तो ये पानी जो है वो आउटलेट पाइप के थ्रू निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये वाला व्हील बटन हमको कपड़े सुखाने के काम आता है, तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये भाई साहब जोर से घूमने लग जाएगा और आपके कपड़े सूख जाएंगे।
जैसे कि मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा तो यहाँ पर ये अंदर घूमने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये खुला ये बंद हो गया, लेकिन जैसे आप इसे बंद करोगे तो ये घूमने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कपड़े सुखाने के काम में ये वाला कंपार्टमेंट आता है, जो कि विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। अब दोस्तों पानी को हम यहाँ से निकाल देते हैं, जब कपड़े धुल चुके हैं तो पानी को निकालने के लिए इसको ड्रेनेज को ऑन कर देंगे और आप देख सकते हो आवाज़ आने लग चुकी है और यहाँ से पानी जाने लग चुका है। तो जितना भी पानी है वो आउटलेट पाइप के थ्रू चला जाएगा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये घूम रहा था उस टाइम, और ये जो पानी यहाँ का और यहाँ का पूरा ये अब जा चुका है, मतलब ये ड्रेन हो चुका है। तो इट इज़ ईजी, इस तरीके से हम आराम से कपड़ों को धो सकते हैं, धोने के बाद में यहाँ पर सुखा सकते हैं, सुखाने के बाद में पानी को निकाल दो। बस यही सिंपल सी प्रोसेस है एक मैनुअल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलिंग एंड हाउ टू यूज ऑफ LG सेमी ऑटोमेटिक 8.5 kg वॉशिंग मशीन। अब दोस्तों जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए वो मेजर फीचर थे जो हम वॉशिंग मशीन को यूज करते समय यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको बता देना ज़रूरी है। तो एक तो भाई, अगर चूहे हुए बहुत ज़्यादा आपके घर में तो इस वॉशिंग मशीन में चूहे उसके तार वार काटने की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जिस तरह की इसकी बिल्ड है इसमें चूहे नहीं घुसने वाले हैं। साथ में इसके नीचे हैं वो पहिए आते हैं भाई साहब, जिसको मैजिक व्हील्स बोलते हैं, तो उन पहियों से आप इजीली इसको मूव कर सकते हो। ज़्यादा भारी भी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी आप इस वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हो। उसके बाद में वॉशिंग कंपार्टमेंट में आपको रोलर जेट प्लस्टर दिए हैं, जब आपके कपड़े धुलेंगे तो उसमें व्हील टाइप के दिए गए हैं, तो आपके कपड़े हैं वो 360 डिग्री घूमते रहते हैं और वॉशिंग अच्छे तरीके से होती है। तो सारे फीचर्स के मामले में ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप एक टॉप लोड सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहते हैं तो। और भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हम तो एक बटन दबा के छू हो जाए, गायब हो जाए, आके डायरेक्ट कपड़े ले ले, तो फिर आप ऑटोमेटिक मशीन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको उस बात का जवाब देता हूं जो मेरे भाई ने शुरू में बोला था कि हमने ऑटोमेटिक मशीन से सेमी ऑटोमेटिक पे स्विच क्यों किया। तो भैया देखो बात ऐसा है, पैसा बहुत है मुड़ गया ले लिया, देखो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन 10 साल से यूज कर रहे हैं और सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेने का प्लान यही था कि भाई पानी बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आप अपना एक कच्छा भी धो सकते हो, कहने का मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जरूरी नहीं आप नल से लो, आप चाहे बाल्टी से उठा के पानी डाल लो, कच्छा डालो और उसमें आराम से मतलब सरफ वरफ डालो, एक कच्छा धो के एकदम ड्राई करके तैयार पहनने योग्य बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर आप ऑटोमेटिक मशीन में एक कच्छा धोने जाओगे तो भाई साहब वो अपनी मर्जी से, हालांकि आप पानी मिनिमम पे भी सेट कर दोगे ना तो भी वो एक मिनिमम इतना अमाउंट पानी लेगा जो उस कच्छे के लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो बस वो एक चीज़ है जहाँ पर पानी की बचत होती है। बाकी दोस्तों वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये हाउस होल्ड की वो जरूरी चीज़ें होती हैं जिनको लोग अपने प्रेफरेंस के अनुसार खरीदते हैं, जिनको जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है वो वैसा सामान ले लेते हैं। हमें आवश्यकता थी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, तो हमारे भाई ने ये वॉशिंग मशीन खरीद ली। बाकी बात करें इस मशीन के लॉन्ग टर्म यूज की, तो आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं वॉशिंग मशीन के खरीदने के 1 से 1.5 महीने बाद बना रहा हूँ, तब जाके ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो वॉशिंग मशीन भाई साहब एकदम टनाटन बढ़िया चल रही है, कपड़े बढ़िया धुल रहे हैं, आप इस वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं। बात करें प्राइस और इसके एक्स्ट्रा जो भी फीचर्स है वॉशिंग मशीन के बारे में फुल डिटेल की, तो दोस्तों वैसे तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको इस वॉशिंग मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमने इसको ऑफलाइन लिया है और ऑनलाइन तो इसकी प्राइस ना वेरी होती रहती हैं, कोई सेलर होता है इसकी ज़्यादा डिस्काउंट देता है, कोई कम दे देता है, तो ये आपको 10,000 से 15,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर आप एकदम कलर मैटर नहीं करता तो भाई साहब ये आपको 11 से 12 में मिल जाएगी। अगर आप इसको डार्क कलर में, जैसे हमने ग्रे वाला लिया सॉलिड ग्रे, तो उसमें आपको 3,000 महंगा मिलेगा, डीप ब्लैक जाओगे, तो इस तरह से कलर में अगर वेरिएशन लोगे तो यहाँ पर प्राइस का फर्क पड़ जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।